श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो अभी आप जय जय श्री राम की नारा सुन सकते हो, तो समझ सकते हो फिलहाल अभी हम लोग अयोध्या में हैं। फिलहाल पूरा देश राममय हो चुका है। तो अभी फिलहाल शाम हो चुकी है और शाम में फिलहाल अभी हम लोग हैं यहाँ राम जन्मभूमि कॉरिडोर के पास। फिलहाल यहाँ से आप जो है राम मंदिर की ओर आगे जा सकते हो, बिल्कुल इधर में। और बहुत ही दोस्तों भव्य अयोध्या सज चुका है राम लला का स्वागत करने के लिए। पूरा जो अयोध्या एकदम चकाचौंध हो चुका है। तो पूरा आज के इस ब्लॉग में हम आपको रात के समय में जो अयोध्या का सीन है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। बस आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल इन तक बने रहिएगा। चल अभी आते हैं दोस्तों राम जन्मभूमि पर, और इसी के अंदर है दोस्तों राम लला का मंदिर, राम मंदिर। देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से भाई यहाँ पर जो लाइटिंग है वो लगाई गई है एकदम। आप देख लो ये शेड है और शेड पर कितना खूबसूरत यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई है। अभी हम लोग राम पथ से बाहर आ चुके हैं रोड की तरफ, और ये देख लो भाई कुछ देर पहले मैंने आपको दिखाया था ये तो अब ऐसे नॉर्मल था जिसमें लाइट वगैरह नहीं जल रहा था, लेकिन अब देखिए भाई इसमें कितना शानदार इसमें लाइट जल गया भाई, रियली ब्यूटीफुल। ऐसा आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेन रोड पर ये प्राचीर बनाया गया है, और मतलब जो पत्थर यहाँ पर यूज किया गया है मेन गेट पर ये ठीक है यही पत्थर दोस्तों राम मंदिर के जो मंदिर बना हुआ है उसी राम मंदिर को भी बनाया गया है यहाँ पर बनाया गया है, और वहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो गाइस चलिए राम जन्मभूमि पथ से अयोध्या की, तो गाइस चलिए राम जन्मभूमि पथ से अब फिलहाल अभी हम लोग लता मंगेशकर चौक चलते हैं और पूरा नाइट व्यू दिखाने वाले हैं दोस्तों आज की वीडियो में। आओ दोस्तों फिलहाल अभी आप देख सकते हो अयोध्या रात के समय में पूरा आप देख सकते हो कितना जबरदस्त तरीके से यहाँ पर ये जो लाइट है स्ट्रीट लाइट टू लगाया गया है, और किनारे किनारे आप देख सकते हो रोड के भाई देख लो दुकानें हैं, और दुकान के देख लो शटर पर भाई यहाँ पर पूरा यहाँ पर शटर पर ये सब भाई जय श्री राम स्वास्तिक तिरंगा रामायण से रिलेटेड सब कुछ दोस्तों सर यहाँ के दुकान के हर एक शटर पर दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वाह क्या बात है, आप देख सकते हो यहाँ जो अयोध्या की दुकानें हैं यहाँ पर एकदम सेम एग्जैक्ट सब एक ही तरह आने की कोशिश की गई है। आप देखो तो यहाँ पर भी सब एक ही तरह की दुकानें हैं। तो फिलहाल अभी हम राम जन्मभूमि पथ से फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक, और भाई यहाँ से देखो भाई एकदम अल्टीमेट लेवल से भाई यहाँ से अयोध्या भाई सजा हुआ है कि भाई पेड़ पर कितना खूबसूरत कितना शानदार तरीके से भाई यहाँ पर लाइटिंग करी गई है, रियली ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो तो टोकरी में भाई बल्ब लटकाए गए हैं पेड़ पर, रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पर जो है भाई सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। बिल्कुल सामने में आप देख सकते हो लता मंगेशकर चौक, और बिल्कुल सामने में है यहाँ पर बहुत ही बड़ा यहाँ पर बीड़ा। वाओ रियली ब्यूटीफुल। अभी आप देख सकते हो लता मंगेशकर चौक पर बहुत ही भव्य यहाँ पर बीड़ा बनाया गया है, और यहाँ पर भाई भीड़ भी बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर, आप देख लो कितना ज्यादा यहाँ पर। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग लता मंगेशकर चौक से फिलहाल अभी हम लोग चलने वाले हैं लखनऊ गोरखपुर रोड पे, और गाइस वो जो रोड आप देखिएगा एकदम आप देखकर दंग रह जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों एकदम विदेश भी फेल है उस रोड के आगे भाई। राम जी का डंका अयोध्या में बजवा दिया बजरंग बाला ने, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। देखिएगा अयोध्या में ये लखनऊ गोरखपुर वाला रोड है, और भाई ये देखिए कितना जबरदस्त भाई यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हो यहाँ पर स्तंभ बनाया गया है, और स्तंभ के ऊपर में आप देख सकते हो सूर्य भगवान की तरह यहाँ पर आप देख सकते हो आर्किटेक्चर बनाया है। यहाँ पर भव्य नज़ारा अभी आप देख सकते हो, फिलहाल ये जो आप नज़ारा देख रहे हो यहाँ पर ये स्तंभ पर दोस्तों भगवान सूर्य को यहाँ पर दर्शाया गया, आप देख लो कितना जबरदस्त लग रहा है, रियली ब्यूटीफुल। और यहाँ से भी आप देख सकते हो यहाँ से भी बहुत ही ज़बरदस्त जो लाइटिंग है रोड पर भाई लगाई गई है, आप देख लो कितना ज़बरदस्त स्ट्रीट लाइट इधर में भी लगाया गया, आप देख लो तो यहाँ पर
भगवान श्री राम का यहाँ पर पैम्पलेट यहाँ पर लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पर जो पोल है, पोल के सबसे टॉप पर वहाँ पर जो तिलक है, तिलक वहाँ पर दर्शाया गया है भाई, रियली ब्यूटीफुल। और आगे में भी एकदम एक से एक वैरायटीज के दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट है वो लगाया गया है। और यहाँ पर जो खास बात यह है कि दोस्तों पूरा यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है यहाँ पर, भाई एक चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पूरा यहाँ पर ये जो स्ट्रीट लाइट है, इस स्ट्रीट लाइट पर स्पीकर भी लगा हुआ है। और अभी फिलहाल राम भजन इस स्पीकर पर चल रहा है भाई, बहुत ही मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर भाई दृश्य हो रखा है सच बोलूं तो एकदम। देखिए पूरा यहाँ से एकदम जबरदस्त लेवल का भाई है, ये देखिए भाई। तो गाइस देख सकते हो ये है न्यू अयोध्या भाई, देख लो कितना क्या ही जबरदस्त भाई। इस अयोध्या का दोस्तों डेवलपमेंट किया गया है राम मंदिर बनने से पहले। और इधर में आप देख ही सकते हो पूरा यहाँ पर जो है किस तरह से भाई लाइटिंग लगाई गई है रोड पर, भाई देख लो एकदम अनबिलीवेबल लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि दोस्तों अभी हम लोग भारत में है भाई, ऐसा लग रहा है फिलहाल अभी हम लोग विदेश में है भाई। और सर जी यहाँ का जो लाइटिंग करी गई है, लाइटिंग तो बहुत ही जबरदस्त लगा। अभी तक हम इतना इंडिया घूमे हैं पर इस तरह की लाइटिंग हमको जीवन में कभी देखने को नहीं मिलेगी। ऐसे लग रहा है कि जैसे डूबता हुआ सूर्य होता है, गोलाकार होता है, उस तरह की आकृति आपको देखने को मिलेगी। बहुत ही भव्य है अयोध्या। रामलला के यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो है पूरी तरह से बदल गई है, त्रेता वाली अयोध्या अब हो गई है। बिल्कुल। और आगे एक दो वर्षों में अयोध्या और पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी। बिल्कुल। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को गाइस हम यहीं पर एंड करते हैं। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। फिलहाल आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। जय श्री राम, बाय बाय।